या तो बेटा और पोते भी चले गए, तो एक गया तो उसके बाद आने वाले सारे चले गए। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवान हो, ये हमेशा ढूंढ ढूंढ कर सुन्नियों के यहाँ रिश्ता भी करते, कभी अपनी बेटी देते हैं, कभी उनकी बेटी लेते हैं, यानी वो इसके लिए भी तैयार रहते हैं हमेशा। और क्यों? उसकी वजह ये होती है कि इनको अपनी बेटी पर या बेटे पर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर ये मेरी बेटी या मेरा बेटा वहां चला गया तो एक सिर्फ यही जाने वाला या जाने वाली जो है वहां जाकर पूरे आने वाली नस्लों के अकीदे को बदल कर रख देगी। और हमने देखा कई घरों का हाल है, एक लड़की आती है किसी गुस्ताख की और आने के बाद वो धीरे 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 शौहर का ब्रेन वॉश करती है। बाद में शौहर जो है वो अपनी मां से लड़ना शुरू करता है, फिर बाप से बगावत करता है, मैं ये नहीं करूंगा, ये करने की जरूरत क्या है, ये कहां लिखा हुआ है, तो अब तक तो तुझे कुछ मालूम नहीं था, अब तक तो शको शुबा तूने किया नहीं था, जो बाप दादा परदादा करते चले आए आंख बंद करके वो सारा कुछ तू भी कर रहा था। अब कहता है ग्यारहवीं कहां लिखा है, बारहवीं कहां लिखा है, जुलूस कहां लिखा है, झंडा कहां लिखा है, नियाज कहां लिखा है, सबील कहां लिखा है, खिचड़ा कहां लिखा है, अब तक तो तुझे नहीं, तुझे अक्ल नहीं थी, तूने नहीं पूछा, अब ये अक्ल कहां से आ गई, तो पता चला कि घर के अंदर जो बहू की शक्ल में एक बदअकीदा की बेटी आई है वही आकर अपने शौहर का जहन खराब करती है। और फिर शौहर लड़ झगड़ कर धीरे धीरे अपने घर के अंदर इन चीजों पर रोक टोक लगाने की कोशिश करता था। तो ऐसे लोगों से पड़ोसी नहीं रिश्तेदार भी तो हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए। कह इंशाल्लाह मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, बहरहाल तो जो सवाल था मैंने उसके जिम्न में ये बात आपके सामने अर्ज कर दी।